हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप इन डिटेल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हमारी जो है यूनिट 3 समाप्त हुई थी, ज्योति विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। लास्ट का टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था चुंबकत्व का। ठीक है बेटा, अब बच्चों आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। 12th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, वो जो यूनिट है हमारा, उसमें जो पहला चैप्टर है बेटा, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है बेटा, तो इसमें बच्चों मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, वो है चुंबकीय फ्लक्स में इसका मात्रक, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इसको बेटे जो बताने वाले थे वो थे फैराडे। तो हम फैराडे के प्रयोग के बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर थे बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो अपने प्रयोग के आधार पर फैराडे ने बच्चों को चुंबकीय प्रेरण से नियम दिए थे और फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक एक करके हम एक एक डेफिनेशन आराम से पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स बताऊंगा बेटा, उसका मात्रक समझाऊंगा। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी फिगर बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर हम एक क्लोज सरफेस यानी एक बंद परिपथ ले लें बेटा, क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ, ये हमारे पास बच्चों एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ देख रहे हैं आप इस तरीके से। और बच्चों अगर इस पृष्ठ में से कोई चुंबकीय क्षेत्र पास हो रहा है और वो इस तरीके से पास हो रहा है बेटा, ऐसे करके इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बच्चों अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र इसमें से पास हो रहा है तो बच्चों हम इसमें बात करेंगे तो इस चुंबकीय क्षेत्र का नाम हम बी रख देते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उस पे वेक्टर का साइन लगा दिया। अब बच्चों अगर इस पूरे पृष्ठ के एरिया को हम क्या करें, ए मान ले, ए क्या होगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा बच्चों, तो मैं आपको पहले फॉर्मूले से बताता हूं बच्चों। जो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ का होता है बेटा हमेशा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स है और ये हमेशा बंद पृष्ठ का होगा, बंद पृष्ठ। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बच्चों, वो उससे गुजरने वाली जो लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ हम कह सकते हैं जो फील्ड लाइंस हैं, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों उस बंद पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, वो उस बंद पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लंबवत, है ना बच्चों, तो ये परिभाषा मैं आपको लिखो लिंक बताता हूं। अब बच्चों बात ही आती है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों जनरल, वो होता है जितना भी चुंबकीय क्षेत्र हो बच्चों, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों वो लंबवत होना चाहिए, लंबवत, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लंबवत होना चाहिए। और बच्चों जो क्षेत्रफल होता है, जितना क्षेत्रफल होगा, अब बच्चों आप एक चीज देख सकते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत तो जा नहीं रही, तो हम कैसे पता लगाएं कि कितना एंगल बना रही है ये, कितना कोण बना रही है उस प्रश से जो लंबवत नहीं जा रही। तो बच्चों इसके लिए हम एक छोटा सा प्रश मानते हैं हमेशा, एक छोटा सा प्रश मैंने ये मान लिया, इसका नाम बच्चों मैंने डीए रख लिया, छोटा सा प्रश, और बच्चों इसमें एक लंब मैंने खींच दिया इस प्रकार, इस लंब को बच्चों मैंने एन और एकांक सदिश से रिप्रेजेंट कर दिया। बच्चों ये चुंबकीय बल रेखाएं इस एकांक सदिश से जो है थीटा कोण बना रही हैं, आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो एकांक सदिश है बच्चों इस प्रश के लंबवत है, तो बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र का कितना जो भाग होगा वो लंब होगा, इस लंब के अनुदिश होगा, तो बच्चों वो होगा बी कॉस थीटा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें चुंबकीय क्षेत्र का वो पार्ट लेना है जो लंब हो, तो लंब का मतलब है उस क्षेत्रफल के लंब, तो हम कह सकते हैं इसके अनुदिश होना चाहिए, एकांक सदिश ही है ये, एकांक सदिश है बेटा, एकांक सदिश। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों मैं जो अगर हम पहले काम करें छोटे से एरिया के लिए हम निकाले, तो उसे हम डी फाइव कह सकते हैं, डी फाइव यानी इस क्षेत्रफल के लिए जो स्मॉल क्षेत्रफल है। ठीक है बेटा, अब बच्चों इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो फ्लक्स होगा कितना होगा, चूंकि इसमें से हम चुंबकीय फ्लक्स का जो मान जा रहा है वो बी कॉस थीटा लेंगे, तो हम लेंगे बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा,
और जो एरिया होगा उसका कितना माना बच्चों, हमने डीए मान लिया। अब आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि हम पूरे प्रश्न का निकाल लें तो इसका समाकलन करेंगे, समाकलन समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हम क्या साइन लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे बन प्रस्थ का साइन लगा देंगे। और ये है क्योंकि हम एरिया क्षेत्रफल का कर रहे हैं तो एस लगा दिया हमने, एरिया लिख दो एरिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी हमने क्या करा, एक बन प्रस्थ का साइन लगा दिया। तो बच्चे कुल फ्लक्स को हम शो कर सकते हैं फाइव बी, बी मतलब चुंबकीय फ्लक्स। और बच्चों बी को हम बाहर ले लेंगे, अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बी कॉस थीटा। डीए को बच्चे यहाँ पे ऐसे सदिश माना गया है और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा इलेवेंथ में, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इस प्रकार से बच्चों पढ़ा है आपने फॉर्मूला। तो ए की जगह यहाँ पे बी है और जो बी वेक्टर है यहाँ पे उसके लिए डीए शो कर रहा है और कॉस थीटा हमारे पास है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बी डॉट डीए लिख सकते हैं बच्चों। अगर हम इसे खोलेंगे तो वापस हमें ए मिल जाएगा, बी कॉस थीटा डीए। तो बच्चों हम कह सकते हैं किसी भी प्रश्न का जो फ्लक्स होता है बच्चों वो समाकलन होता है, यानी हम उसे कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल यानी क्षेत्रफल समाकलन। किसका बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। तो फाइव बी बराबर जो समाकलन है वो है बी डॉट डी ए, ठीक है। तो किसी का भी क्षेत्रफल बच्चों हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ये बात आपको समझ में आती है। अब मैं इसको आगे की आपको यूनिट वगैरह इसके मात्रक निकालना सिखाता हूँ बच्चों। तो सबसे पहली बात बच्चों इसमें आपको मैं दो तीन चीजें सिखाऊंगा। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें एक बात करूं बेटा, आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अगर मैं आपको कुछ केस दिखाऊं, ये चीजें आपको बहुत समझने वाली बात है बेटा। किसी प्रश्न से चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों कब अधिकतम होता है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों अधिकतम कब होगा, अधिकतम। तो उसके लिए आप एक चीज देखें बच्चों, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं, जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला बी कॉस थीटा डी ए, तो इसमें आप अगर आप देखें तो बच्चों अधिकतम तब होगा जब कॉस बी और डी ए को अगर हम थोड़ी देर के लिए नेता हूं मान ले, तो बच्चों अधिकतम तब होगा जब थीटा पे डिपेंड करेगा, और थीटा अधिकतम होता है बच्चों कॉस में जब जीरो डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर जीरो, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा बच्चों वन, तो हमारे पास अधिकतम चूंकि फ्लक्स जो होगा बच्चों वो होगा बी डी ए, बी डी ए। इसका मतलब एक बात समझे बच्चों, ये जो थीटा है जीरो किससे एंगल है बेटा, ये तो ध्यान रखना बच्चों, अधिकतम फ्लक्स जब होगा थीटा जीरो होगा, इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों कैसा हो जाएगा, इस जो एकांश सदिश है जो लंब है हमारे पास उसके अनुरूप अनुदिश हो जाएगा। तो बच्चों जब चुंबकीय बल रेखाएं किसी एकांश सदिश जो लंब की जगह क्षेत्रफल पे उसके अनुदिश हो जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है थीटा जीरो पे। ध्यान रखना बच्चों थीटा जो एंगल है वो लंब से लिया गया है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो ध्यान रखना इसमें। तो बच्चों जीरो कम कब होगा, मिनिमम कब होगा, यानी न्यूनतम, न्यूनतम कब होगा बेटा, बेटा न्यूनतम जब होगा जब हमारे पास थीटा 90 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा बेटा जीरो, तो इस टाइम फ्लक्स जीरो हो जाएगा बेटा जब हमारे पास थीटा 90 होगा। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, ये बात समझे आप, थीटा 90 जो होगा बच्चा, अगर ये हमारा लंब है बेटा और ये चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, तो बच्चों ये इस तरीके से जाएगा। तो जब किसी प्रश्न पे चुंबकीय बल रेखाएं यानी चुंबकीय क्षेत्र बच्चों उस लंब के 90 डिग्री पे होता है, या बच्चों इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं उस प्रश्न के समांतर होता है, समांतर देख लो, तो फिर बच्चों चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बेटा वो ये है कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उस प्रश्न के लंबवत जानी चाहिए, और लंबवत का मतलब है एकांश सदिश के अनुदिश। अगर एकांश सदिश से 90 डिग्री पे गई तो उस प्रश्न के समांतर हो जाएंगी, और हम कह सकते हैं यहां पे यानी जब समांतर होती है बेटा, समांतर, समांतर किसके बेटा, प्रश्न के, प्रश्न के समांतर होती है, तब बच्चों चुंबकीय जो फ्लक्स होता है बच्चों न्यूनतम होता है। तो सबसे पहले आपको ये बातें सीखने वाली है बेटा। अब मैं आपको ये चीजें जब आपको आ जाएंगी तब आपके आपको इसका मात्रक समझाता हूं कि इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों मात्रक के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको बी डॉट डी की, मात्रक के लिए तो आप जनरल फॉर्मूला याद रखें जो आपके पास ये वाला मैंने दिया है, ये वाला फॉर्मूला बेटा, इससे आप मात्रक आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लक्स का जो मात्रक बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, बी है बच्चों, तो बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमें पता होता है बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर हम यहाँ पे देखें
तो आपको पता होता है कि एक तो बच्चों जो एसआई मात्रक होता है वो आपको मैं बता दूं डायरेक्टली, एसआई मात्रक तो होता है बच्चों इसका वेबर, वेबर चूंकि फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब ये वेबर किसे कहते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो बच्चों इसको अगर हम निकालें तो यहां पे थोड़ी देर के लिए आप देखिए कि जो बी का मात्रक होता है वो अगर हम किससे निकाले बेटा, एफ एफ वाले से निकाले, एफ बराबर आई बी एल, ये आपने फॉर्मूला देखा है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन पर एम्पियर और पर मीटर, ये फॉर्मूला हो गया बेटा चुंबकीय क्षेत्र का। और बच्चों अगर इसको मैं फाइव वाले फॉर्मूले में लिख दूं, तो अगर मैं बच्चों फाइव वाले फॉर्मूले में लिखूंगा तो क्या फॉर्मूला आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए बेटा आप देखें। तो बी हमारे पास है तो बी का जो मात्रक हो गया बच्चों न्यूटन हो गया पर एम्पियर हो गया पर मीटर हो गया, और यहाँ है बच्चों क्षेत्रफल तो यहाँ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर से चला गया तो बच्चों आएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वेबर आ जाए तो भी आप लिख देना, न्यूटन मीटर पर एम्पियर आ जाए तो भी इसका मात्रक लिख देना। तो बच्चों ये भी इसका ऐसा ही मात्रक ही कहलाएगा। तो एमसीक्यू में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं मान लेता हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों अब मैं आपको चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखवा देता हूँ, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स आपने समझ लिया है तो बच्चे तो आता भी बहुत है, पूछा भी जाता है, डेफिनेशन में नंबर भी आते हैं। तो बच्चों जरा देखें एक बार, किसी प्रश के लंबवत, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बस इसे ध्यान रखना, किसी प्रश के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उस प्रश का चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाइ से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये एक अदिश राशि है, ठीक है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स पता चल गया, परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में अगर हम सबसे पहले एक बात देखें बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, तो बच्चों इसे मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रयोग। फैराडे का प्रयोग देखते हैं बेटा, पहले फैराडे के कुछ प्रयोग हैं, फैराडे के प्रयोग, उससे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखेंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। ठीक है, पहले बच्चों मैं इसका जो आपको मतलब समझा दूं, प्रेरण का मतलब होता है बच्चों जब कोई चीज किसी के प्रभाव से उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और चुंबकीय का मतलब है जब यहां पे हम चुंबक यानी विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत यानी आवेश या हम विभवांतर या विद्युत धारा हम कहें, तो चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से के प्रभाव से जब विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों, या आवेश उत्पन्न हो जाएगा नेट आवेश, तो उसे कहेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझने वाली बात है इसकी, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो बच्चों फैराडे एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कुछ प्रयोग करे थे, वो प्रयोग क्या थे वो आप गौर से देखें। तो बच्चों उन्होंने एक तार को लिया, उसकी एक कॉइल बनाई यानी कुंडली बनाई इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुंडली बनाई, और बच्चों उसमें एक धारा मापी लगा दिया उन्होंने, धारा मापी इस प्रकार। तो बच्चों उन्होंने एक चीज देखी कि जब कोई चुंबक यानी कोई दंड भी दंड चुंबक इस प्रकार से इस कुंडली की तरफ गति करती है, कुंडली की तरफ गति करती है, तो जैसी ये बच्चों चुंबक इस कुंडली की तरफ आती है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है बेटा। और वो धारा कैसे प्रवाहित होती है, अगर चुंबक का नॉर्थ सिरा यानी उत्तरी ध्रुव आ रहा है तो इसमें धारा बच्चों जो होगी घड़ी की विपरीत दिशा में होगी इस प्रकार, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों उन्होंने जब ये प्रभाव देखा तो उन्होंने इसका मतलब, जब बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा में तो इसका मतलब जो ये वाला सिरा है, ये हमने पिछले मिनट पढ़ा था, ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा, इसे हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव। तभी बच्चों विद्युत जो धारा है बच्चों वो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बच्चों अब उन्होंने इसका विपरीत भी देखा, विपरीत में बच्चों उन्होंने ये देखा कि जब हम इस चुंबक को इससे दूर ले जाते हैं, कुंडली से दूर, इसी में देखिए ये वाली फिगर, तो बच्चों इस घड़ी की दिशा बदल जाती है, यानी जो पहले बच्चों अगर धारा मापी में जो विक्षेप आया था बच्चों अगर इस दिशा में आया था तो अब धारा मापी में विक्षेप दूसरी दिशा में आएगा। कैसे, अब उन्होंने देखा कि ये वाला जो घड़ी जो विक्षेप है बच्चों धारा मापी में वो दूसरी दिशा में आता है, इसका मतलब जो बच्चों धारा की दिशा है वो विपरीत हो जाती है, यानी घड़ी की दिशा में हो जाती है पहले के रेस्पेक्ट में, अब वो विपरीत हो गई घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा में मतलब बच्चों ये वाला जो सिरा है कुंडली का ये साउथ पोल की तरह काम करेगा इस प्रकार।
तो बच्चों जब ये उन्होंने चीजें देखी तो उसके बाद उन्होंने फिर एक दो और प्रयोग किए। उस प्रयोग में आप देखें बेटा दोबारा से, इन प्रयोगों में जब उन्होंने दोबारा से एक चीज देखी, यहां पे अगर आप देखें, फिर एक धारा मापी लगाया और बच्चों अब उन्होंने क्या करा, एक कुंडली को यहां पे रखा और यहां पे इसका जो है गति नहीं दी, यानी गति जीरो, गति जीरो। तो बच्चों उन्होंने देखा कि धारा मापी में जो विक्षेप है बच्चों वो शून्य है, शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं था बच्चों, यानी कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो इन प्रयोगों के आधार पर बच्चों उन्होंने कुछ अपने नियम दिए और उन्होंने एक बात बताई जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दी। तो हम देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण बेसिकली क्या चीज है और उसमें फैराडे के नियम क्या थे। ठीक है बेटा, तो बच्चों पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा देख लेते हैं बेटा, जो फैराडे के अनुसार उसने बताई। तो बच्चों हमने अभी प्रयोगों के आधार पर देखा था कि जब किसी कुंडली में चुंबक के बीच सापेक्षित गति होती है, बच्चों कुंडली तो विराम अवस्था में थी तो चुंबक मूव कर रही थी, यानी चुंबकीय क्षेत्र चेंज बदल रहा था। तो बच्चों कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बच्चे इसमें मैं बात बताऊंगा सापेक्ष गति का क्या मतलब है। आगे जाके हम ये देखेंगे कि अगर कुंडली विराम अवस्था में और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र मूव कर रहा है, चुंबक मूव कर रही है, तो भी बच्चों विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि बच्चों हमारे चुंबकीय क्षेत्र विराम अवस्था में और कुंडली या कोई भी जो है धारावाहिक या कोई भी चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो भी बच्चों उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो दोनों ही घटनाओं को बच्चों चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड सबसे पहले फैराडे ने एक नियम दिया जो प्रथम नियम है, फिर हम दो नियम फैराडे ने इस बात पे दिए हैं। तो बच्चों जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लक्स परिवर्तन, बच्चों जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। बच्चों इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा, यदि बच्चों जो विद्युत फ्लक्स है, बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूं, विद्युत फ्लक्स अगर बच्चों वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा फ्लक्स का परिवर्तित होना, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा बच्चों तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो लेकिन फ्लक्स परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैं आपको फैराडे का दूसरा नियम बताता हूं जिसमें उन्होंने बताया था विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो फैराडे का दूसरा नियम है बच्चों इस आधार पर है कि अगर हम बच्चों विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करें तो उसने कहा था कि ये विद्युत वाहक बल जो है बच्चों फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो यानी अगर मैं इसे लिख दूं ऐसे, फ्लक्स परिवर्तन बेटा, परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। ये जो विद्युत वाहक बल है इसे हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल, अगर हम शॉर्ट में लिख दें विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब अगर हम वैसे लिखें थोड़ा मैथमेटिकल रूप में, गणितीय व्यंजक के रूप में, तो हम कह सकते हैं ई अनुक्रमानुपाती। अगर बच्चों इनिशियल फ्लक्स फाइ वन हो, अंतिम फ्लक्स फाइ टू हो, तो हम कहेंगे फाइ टू माइनस फाइ वन। ठीक है बेटा, तो जो समय अंतराल है जितने समय में होता है उसे हम कहेंगे डेल्टा टी, इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम इसको एक अनुक्रमानुपाती साइन हटाएं तो हम यहाँ पे के ले लेंगे और एक नियतांक आ जाएगा, और इसको बच्चों डेल्टा फाइव भी लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स जरूर लिखना है बेटा, बी निशान लगाना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और के की वैल्यू बच्चों एक नियतांक, इसकी वैल्यू वन ली गई है, तो ई का जो मात्रक, ई का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों आएगा डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ बच्चों माइनस का साइन आएगा। ये माइनस साइन क्या बताता है बेटा, माइनस साइन बताता है कि जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों वो फ्लक्स के परिवर्तन की दर का जो है विरोध करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है बच्चों फ्लक्स परिवर्तन की दर का विरोध, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध, आप ऐसे भी कह सकते हैं फ्लक्स के परिवर्तन होने का विरोध कौन करता है बेटा, ये तो मैं आपको बता दूं, ये करता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल।
विद्युत वाहक बल बच्चों फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव साइन आपको पता लग गया, ये फैराडे का द्वितीय नियम है और ये बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों आपको, ये बहुत ज्यादा आपसे आपसे पूछा जाएगा इस बारे में। ठीक है बच्चों, अगर फ्लक्स परिवर्तन तेजी से हो रहा है एक सूक्ष्म अंतराल में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का डी फाइव बी अपॉन डी टी। इसका मतलब यह अति सूक्ष्म समय अंतराल में जो फ्लक्स परिवर्तन होगा उसे हम माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ये आप जानते हैं, ये अवकलन की फॉर्म आ गई बेटा। ठीक है तो बच्चों, ये आज हमने ये जो नियम पढ़े हैं इसके आधार पर बहुत सारे नियम और पढ़ेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ने हैं, तो इस और बोर्ड के बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा इस पे, उसे आप ध्यान से करना। ठीक है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।